स्टूडेंट, मैं मकवाना हेतल मेरे अर्पण इंटरनेशनल परिवार की ओर से आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, लेखन सेक्शन में कहानी, जो कहानी होती है वह आज हम एक देखेंगे। तो कहानी क्या है? तो कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी, अथवा जैसा करोगे वैसा पाओगे। यह कहानी का शीर्षक दिया गया है। स्टूडेंट, यहाँ पर आपको टॉपिक दिए गए होंगे, उस टॉपिक के आधार पर आपको कहानी लिखनी होती है। उस टॉपिक के आधार पर आपको कहानी लिखनी होती है। तो टॉपिक हम देखेंगे, चार चोरों का मिलकर धन चुराना, बंटवारा करने के लिए जंगल में जाना, वो दूसरा टॉपिक है, और भूख लगना, चारों को भूख लगना, दो चोरों का मिठाई खरीदने के लिए नगर में जाना, नियत बिगड़ना, जो मिठाई खरीदने गए हैं उनकी नियत बिगड़ना, मिठाई में जहर मिलाना। इधर जंगल में दोनों चोरों के मन में भी पाप, मिठाई लाने वाले को मार डालने की युक्ति करते हैं। हाथ मुंह धुलाने के लिए दोनों को कुएं पर ले जाते हैं। देखो, चार चोर है, उसमें से दो चोर है वो मिठाई लेने जाते हैं, वह जो मिठाई लेने जाते हैं वो मिठाई में जहर मिलाकर लाते हैं, जो जंगल में दो चोर रुके हैं उनके लिए। और जो जंगल में रुके हुए चोर है वह ऐसा सोचते हैं कि जो मिठाई लेने गए उनको आकर हम मार डालेंगे, यानी कि चारों के मन में पाप है। हाथ मुंह धुलाने के बहाने दोनों को कुएं पर ले जाना और कुएं में ढकेल देना, मिठाई खाकर बाकी के दो चोरों का भी मर जाना, अंत में सीख प्राप्त करना। देखो, यहाँ जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें से आप जो कहानी लिखेंगे बहुत ही सरल है, तो ज़्यादा वक्त बिगाड़ नहीं रहे और हम कहानी देखेंगे। तो शीर्षक क्या देना है? तो शीर्षक देना है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, अथवा जैसी करनी वैसी भरनी। ये दो शीर्षक है, इसमें से कोई भी एक शीर्षक आप लिख सकते हो, शीर्षक यानी कि इस कहानी को नाम देख सकते हो। जब भी हम कहानी लिखना स्टार्ट करते हैं तब हमें पैराग्राफ बनाकर लिखना है। एक रात चारों चोरों ने मिलकर एक सेठ के घर में चोरी की। एक रात चार चोरों ने मिलकर एक सेठ के घर पर चोरी की। चोरी में उन्होंने बहुत सा धन मिला। चोरी में उन्हें बहुत सा धन मिला। उस धन का बंटवारा करने के लिए वे जंगल में गए। चोरी में जो धन प्राप्त हुआ उसका बंटवारा करने के लिए, एक दूसरे में बांट लेने के लिए वह क्या किया उन्होंने? वह चारों चोर जंगल में गए। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने क्या देखा? कि चार चोर थे जिन्होंने एक सेठ के घर पर चोरी की थी, और वो चोरी किया हुआ धन बांट लेने के लिए, उससे उसके सही मात्रा में हिस्से करके बांट लेने के लिए वह जंगल में गए। उसके बाद क्या होता है? हमने देखो टॉपिक देखा है, बंटवारा करने के लिए फिर भूख लगना, वो टॉपिक है। इसके आधार पर ही आपको कहानी लिखनी है। न्यू पैराग्राफ। चोरों को बहुत जोर की भूख लगी थी। चोरों को क्या हुआ था? बहुत जोर की भूख लगी थी। सुबह होने ही वाली थी। रात को चोरी की थी और जंगल में जाकर छुप गए थे, और वहाँ बंटवारा भी करना था, पर उनको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। उनमें से दो चोर मिठाई खरीदने के लिए शहर की ओर रवाना हुए। दो चोर, चार चोर थे, टोटल कितने चोर थे? चार चोर थे जो चारों जंगल में जा छुपे थे, पर चार में से दो चोर मिठाई खरीदने के लिए जंगल में शहर में जा रहे हैं, और रास्ते में वो दोनों की नियत बिगड़ जाती है। रास्ते में वो जो मिठाई खरीदने जाते हैं दो चोर, उनकी नियत में खोट आ जाती है, नियत बिगड़ती है। उन्होंने सोचा कि जंगल में बैठे हुए
दोनों चोरों को मारकर सारा माल हम हजम कर ले। टोटल चार चोर थे, दो जंगल में रुके हुए थे और दो मिठाई लेने गए थे। जो मिठाई लेने गए थे उन्होंने ऐसा सोचा कि जो जंगल में बैठे हैं दो चोर उनको हम मार डालेंगे और सारा धन हम हजम कर लेंगे। इस इरादे से उन्होंने मिठाई खरीद कर उसमें से कुछ मिठाई खा ली और बाकी की मिठाई में जहर मिला दिया। इस इरादे से उन्होंने मिठाई खाई और बाकी की जो बची हुई मिठाई थी उसमें जहर मिला दिया। फिर क्या होता है वह नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे हम। फिर इधर जो जंगल में बैठे चोर हैं दोनों, उनके मन में भी ऐसा ही बुरा विचार आया। क्या विचार आया? कि मिठाई खरीदने के लिए शहर में गए अपने दोनों साथियों को उन्होंने मार डालने की तरकीब सोची, उपाय सोचा। शहर में जो गए हैं मिठाई लेने के लिए उनको वापस आने पर उनको मार डालेंगे, ऐसी युक्ति निकाली। जैसे ही वे दोनों मिठाई लेकर आए, वे हाथ मुंह धुलाने के बहाने उन्हें कुएं पर ले गए। जैसे ही दोनों चोर मिठाई लेकर वापस आए, हाथ मुंह धोने के बहाने से जो जंगल में बैठे चोर थे वह उन्हें कुएं के पास ले गए और मौका देखकर उन्होंने दोनों को कुएं में धकेल दिया, यानी कि धक्का मार दिया। दोनों चोर कुएं में डूबकर मर गए। दोनों चोर क्या हुआ? कुएं में डूबकर मर गए। क्या देखा आपने इस पैराग्राफ में? दूसरे पैराग्राफ में आपने ये देखा कि जंगल में जो चोर बैठे हैं वह भी जो शहर से मिठाई लाइन लेने गए हैं उन दोनों को मार डालने की तरकीब सोचते हैं, और जैसे ही वो लोग मिठाई लेकर आते हैं हाथ मुंह धोने के बहाने उनको कुएं के नज़दीक ले जाते हैं और उसमें ढकेल कर मार डालते हैं। और जो मिठाई लेकर आते हैं उन्होंने भी मिठाई में जहर मिला रखा है, यानी कि चारों की नियत में क्या था? खोट थी। इसके बाद क्या होता है? दोनों चोरों ने पेट भरकर मिठाई खाई। दोनों चोरों ने अपने साथियों को कुएं में ढकेल कर मार दिया। उसके बाद वह जो मिठाई लाए थे वह पेट भरकर खाई। थोड़ी ही देर में मिठाई का जहर उनके सारे शरीर में फैल गया। देखते ही देखते उन दोनों के भी प्राण निकल गए। प्राण निकल जाना, मृत्यु हो जाना। देखते ही देखते क्या हो गया? मिठाई खाकर उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि मिठाई में जहर मिला हुआ था। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है। इससे हमें क्या बोध प्राप्त होता है? बुरे काम का परिणाम बुरा ही मिलता है, क्योंकि चारों की नीयत खराब थी। जो उस मिठाई लेने गए थे वो जंगल में रुके साथियों को मार डालना चाहते थे, और जो जंगल में रुके थे वह शहर गए साथियों को मार डालना चाहते थे। इस तरह चारों का बुरा क्या हुआ? बुरा इंतजाम आया और चारों की मौत हो गई। तो इस कहानी से हमें सीखने मिलता है कि जो जैसा कर्म करता है उसे ऐसा ही फल मिलता है। तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो स्टूडेंट, आपने इस कहानी में देखा कि इस कहानी में चार चोर की कहानी है, बहुत ही रसप्रद कहानी है। आपको इसका वीडियो 3 से 4 बार देखना है, इस कहानी को पढ़ना है और अच्छे अक्षर में आपकी नोटबुक में लिखकर मुझे सेंड करना है। इस बात के साथ इस वीडियो का मैं समापन करती हूँ। अस्तु।